अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास चैनल जॉब्स। दोस्तों आपको न्यू वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ असामियों के बारे में जो पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई है। इसमें जो है दो डिपार्टमेंट में असामियाँ अनाउंस की गई हैं। एक डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट है, दूसरा जो है हेल्थ केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ केयर एजुकेशन। इसमें जो है बहुत सारे जॉब जो अनाउंस की गई हैं, असामियाँ अनाउंस की गई हैं। इसमें जो है मैं आपको किस तरह अप्लाई करनी है, अपने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगे, क्या चाहिए है। तो आपने वीडियो कुछ एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसलिए जब मैं कोई भी वीडियोस की जो है वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बिला तकलीफ मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियोज की तरफ। इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है असामियाँ अनाउंस की गई है। इसमें जो है पहले नंबर पर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की असामियाँ हैं। इसमें जो है सिर्फ इसमें जो है सिर्फ रावलपिंडी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल रावलपिंडी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पे जो असामियाँ टोटल अनाउंस की गई है ये जूनियर क्लर्क की असामियाँ 75 असामियाँ है, ओपन मेरिट पे जो है 43 पोस्ट है, स्पेशल पर्सन की 2 असामियाँ हैं, वुमेन कोटे की 11 है, मिनोरिटी कोटे की 4 असामियाँ हैं और चिल्ड्रन जो के सर्वेंट्स जो वहाँ पे लोग काम कर उनके बच्चों की भी असामियाँ रखी गई 15 असामियाँ। टोटल असामियाँ जो है वो 75 असामियाँ हैं। रेगुलर बेसिस पे असामियाँ जूनियर क्लर्क की असामियाँ बेसिस का 11 है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन जो मांगे गए हैं स्कैंड स्कूल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, स्पीड जो है कंप्यूटर के 25 वर्ड पर मिनट जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश पे वो भी होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट जो 18 से 25 साल रखी गई है, मेल के लिए 5 साल रजिस्ट्रेशन भी है, फीमेल के लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है, 8 साल इसमें एज रजिस्ट्रेशन भी रखा गया है। इसमें जो है मेल फीमेल दोनों प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि डोमिसाइल आपका जो है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। इसमें जो है सिर्फ इस खाने में जो है सिर्फ रावलपिंडी वाले अप्लाई कर सकते, यानी कि जूनियर क्लर्क की सीट पे सिर्फ रावलपिंडी वाले अप्लाई कर सकते। यहाँ पे जो है पेपर का सिलेबस भी दिया गया है कि आपका एमसीक्यूज का पेपर होगा, 1 टाइप का पेपर होगा, इसमें जो है 100 नंबर पेपर होगा, एमसीक्यूज होंगे। यहाँ पे जो है बताएगा कहाँ कहाँ से पेपर बनेगा, तो ये अपने खुद रीड कर लेना। इसके बाद जो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें भी असामियाँ बहुत सारे अनाउंस की गई हैं। 12 असामियाँ सीनियर रजिस्ट्रार की असामियाँ हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो एमबीबीएस मांगी गई और भी कम्बिनेशन यहाँ पे शो के आपने खुद रीड करना है। 25 से 45 एज लिमिट इसमें रखी गई है, मेल उसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट भी रखी गई है। इसमें जो है पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपको पंजाब के तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ओपन मेरिट पे 6 असामियाँ हैं, टोटल 12 असामियाँ ओपन मेरिट पे 6 हैं, स्पेशल पर्सन की 1 असामी, मिनोरिटी कोटे की 1 है, वुमेन कोटे की जो है 4 असामियाँ हैं। इसमें जो है मेल्स में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 3 असामियाँ सीनियर रजिस्ट्रार की जो ओपन मेरिट पे 2 हैं, 3 टोटल हैं, वुमेन कोटे की 1 असामियाँ है। यहाँ पे जो ऑनकोलॉजी है जिसकी क्वालिफिकेशन जो ऑनकोलॉजी होनी चाहिए, यहाँ पे पैथामोलॉजी यहाँ पे रखी बताई गई थी। यहाँ पे जो एमबीबीएस क्वालिफिकेशन बताई गई है एज में 25 से 45 साल रखी गई है, 5 साल रजिस्ट्रेशन की है, मेल उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से जिसमें अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक्स है, यहाँ पे जो है ओपन मेरिट पे 2 असामी है, 1 असामी ओपन मेरिट पे, 2 असामी टोटल है, वुमेन कोटे की भी 1 असामी, रेगुलर बेसिस पे असामी है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे और भी कम्बिनेशन बताया गया, आपने खुद रीड करना है। 25 से 45 साल एज लिमिट रखी है, मेरे उसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई हो सकती है। इसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन की असामी है, ओपन मेरिट पे दस समय, टोटल समय जो 30 हैं, स्पेशल पर्सन की जो कोटा है वो 4 है, मिनोरिटी कोटे की 2 असामी, वुमेन कोटे की 14 असामियाँ हैं, बहुत ही शानदार असामी। इसमें सीनियर रजिस्ट्रार है मेडिसिन, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे और भी कम्बिनेशन बताया गया, अपने खुद रीड करने हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई की। यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, यानी कि पूरे पंजाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से तो लड़ते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की असामी है, 5 असामियाँ हैं इसमें टोटल, ओपन मेरिट पे 3 है, स्पेशल पर्सन की 1 असामी, वुमेन कोटे की 1 असामी है, रेगुलर बेसिस पे असामी है। इसमें जो एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मांगी की है 25 से 45 एज लिमिट हो, जो फीमेल मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई हो सकती है। इसके बाद 6 असामियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओपथल्मोलॉजी, ओपन मेरिट पे 4 हैं, वुमेन कोटे की 2 असामियां हैं, रेगुलर बेसिस पे एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मांगी के मेल उसमें दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट 25 से 45 साल रखी गया, डोमिसाइल का किसी भी पंजाब के इजलास से वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 6 असामियां रखी गई, ओपन मेरिट पे 5 हैं, वुमेन कोटे की 1 असामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स की असामी है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन रखी गई है, यहाँ पे एफसीपीएससी भी रखी गई है, और भी कम्बिनेशन है, यहाँ पे रीड करना है। 25 से 45 एज लिमिट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल का किसी भी पंजाब के जिला से अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद तीन असामी रखी गई, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स सर्जरी की असामियाँ रेगुलर बेसिस पे हैं, दो असामियाँ जो हैं ओपन मेरिट पे, तीन जो हैं टोटल हैं। इसमें जो पर्सन कोटा एक रखी गई है। एमबीबीएस आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेल्स में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, 25 से 45 एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे जो है दिखा गया कि पूरे 50 से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पाँच असामियाँ जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, ओपन मेरिट पे तीन है, वुमेन कोटे की जो है दो हैं, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 25 से 45 एज लिमिट रखी गई है, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद छह असामियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियाट्रिक सर्जरी, ओपन मेरिट पे चार है, टोटल छह असामियाँ, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आप पूरे 50 से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 12 असामियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटोमी की हैं, ओपन मेरिट पे 9 है, टोटल 12 हैं, स्पेशल पर्सन की एक है, मिनोरिटी कोटे की एक, वुमेन कोटे की भी एक असामी है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 25 से 45 एज लिमिट है, पूरे पंजाब से इसमें जो है अप्लाई हो सकती है। इसके बाद जो है वही स्पेशलाइज हेल्थ केयर की असामियाँ हैं, मेडिकल एजुकेशन, तो इसमें भी पहले नंबर पर जो 11 असामियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, ओपन मेरिट पे 9 है, मिनोरिटी कोटा भी देगी, वुमेन कोटा भी देगी, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 25 से 45 एज लिमिट है, मेरे फिर दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से जो इसमें अप्लाई हो सकती है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन 6 असामियाँ हैं, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मांगे, 25 से 45 यानी कि एज लिमिट भी सेम है, पूरे पंजाब से इसमें जो है अप्लाई हो सकती है। इसके बाद 10 असामियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, ओपन मेरिट पे 3 है, मिनोरिटी कोटा भी है, स्पेशल पर्सन कोटा भी, वुमेन कोटा भी इसमें शामिल है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन रखी है, 25 से 50 एज लिमिट है, सेम एज है, और इसमें जो है मेल उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे 50 अप्लाई हो सकती है। इसके बाद 6 असामी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी के असामी हैं, 6 असामी टोटल है, ओपन मेरिट पे 2 है, स्पेशल पर्सन वुमेन कोटा भी शामिल, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेल उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट 25 से 45 साल, जो तकरीबन सेम एज लिमिट है, ये पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई हो सकती है। इसके बाद 6 असामियाँ ओपन मेरिट पे 4 हैं, वुमेन कोटे की 2 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी की है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे में दोनों इसमें अप्लाई करते हैं, एज लिमिट जो है सेम रखी गई है। इसके बाद 2 असामियाँ ओपन मेरिट पे 1 है, स्पेशल पर्सन कोटा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसिया, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट जो है सेम है, पूरे 50 अप्लाई हो सकती है। इसके बाद 13 असामियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी, 8 साल ओपन मेरिट पे है, स्पेशल कोटे की 1 है, मिनोरिटी कोटे की भी है, वुमेन कोटे की भी है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेल्स में दोनों से अप्लाई करते हैं, एज लिमिट जो है सेम है, पूरे 50 से अप्लाई होती है। इसके बाद 11 आसाम असिस्टेंट प्रोफेसर ईएनटी ओपन मेरिट पे 8 है, मिनोरिटी कोटा भी शामिल है, वुमेन कोटा भी है, मेल्स में दोनों यानी कि इसमें दोनों अप्लाई करते हैं, एज लिमिट सेम है, पूरे पंजाब से अप्लाई हो सकती है। तो दोस्तों ये असामियाँ हैं, इसमें जो आपने अप्लाई करने, इसमें जो है लास्ट जो बताई गई 30/3/2020 है, लास्ट इसकी 30 मार्च 2020 है। इसमें अप्लाई जो ऑनलाइन हो कि आपने अगर खुद अप्लाई करनी है तो आपने जाना है पीपीएससी के वेबसाइट पर www.ppsc.gov.in के इस वेबसाइट जाएंगे, आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है और कोई डॉक्यूमेंट्स इस वेबसाइट को सेंड नहीं करना, बस ऑनलाइन अप्लाई होगी, 600 रुपया इसका जो चलान फी होगा जो आपने स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में पे करना होगा। इसके बाद जो है कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड नहीं करें, लास्ट डेट 30/3/2020 इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट्स कर दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।